हाय एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना चैनल एजुकेशन फाइल है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैप के बारे में। कैप की फुल फॉर्म है सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी ऑफ एजुकेशन, और ये पर्टिकुलर वीडियो होने वाला है एमएड की इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से। और ये पर्टिकुलर टॉपिक बीएड में भी कई बार पूछा जाता है, तो शिक्षा की जहाँ पर भी बात हो रही है या आपके सिलेबस में कैप के बारे में है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। कैप पे बहुत कुछ अवेलेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह सर्च करना पड़ा जब जाके ये चीज़ें मिली है, क्योंकि कैप की अपनी कोई वेबसाइट भी नहीं है। ठीक है, तो जितना है वो इनफ है क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो जल्दी से पढ़ते हैं कैप के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो तो कैप के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात ये है कि ये हाइएस्ट एंड ओल्डेस्ट एडवाइजरी बोर्ड है, अगर हम शिक्षा की फील्ड की बात करें या एजुकेशनल फील्ड की बात करें, जो कि गवर्नमेंट को सजेशन प्रोवाइड करती है, एडवाइस करती है कि शिक्षा में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, और टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करती रहती है कैब। देन कैब एस्टेब्लिश कब हुई? तो कैब एस्टेब्लिश हुई थी 1920 में, लेकिन 1923 में ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस ये डिजोल्ड हो गई। ठीक है, मतलब ये ख़त्म हो गई। देन 1935 में फिर से ये एग्जिस्टेंस में आई, और अभी भी एग्जिस्टेंस में है। और 1935 में एग्जिस्टेंस में क्यों आई? तो वो इसलिए आई क्योंकि हार्टो कमेटी की जो रिपोर्ट थी 1928 में आई थी, इन्होंने कहा कि एडवाइजरी बोर्ड होनी चाहिए। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को टाइम टू टाइम चेकआउट कर सके, उसको मॉनिटर कर सके। तो इसीलिए 1935 में फिर से कैब एस्टेब्लिश हुई या एग्जिस्टेंस में आई। ओके, देन कैप का आइडिया कहाँ से आया था स्टार्टिंग में? तो कैप का आइडिया आया था कैलकाटा यूनिवर्सिटी से। उस टाइम कैलकाटा यूनिवर्सिटी वन ऑफ द मेजर यूनिवर्सिटी थी, और पूरे इंडिया की बात करें तब पाकिस्तान भी इंडिया में था, बांग्लादेश भी था, तो सभी के एजुकेशन को कंट्रोल कर पाना, मॉनिटरिंग कर पाना कैलकाटा यूनिवर्सिटी के लिए ओवरबर्डन हो गया था। तो इसलिए कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन में 1972-19 में ये फैसला लिया गया कि कैप होनी चाहिए, मतलब एक सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी ऑफ एजुकेशन होना चाहिए जो कि टाइम टू टाइम एजुकेशन पॉलिसीज को, प्रोग्राम्स को मॉनिटर कर सके और अपना सजेशन देती रहे। ओके, अब आपके ऊपर है कि इसको आगे पीछे कैसे लिखना है। चलो, देन ये भी फैसला लिया गया कि कैप में एनुअल मीटिंग्स होती रहेंगी या हर एक साल मीटिंग होंगी, ताकि जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, सजेशन है, एडवाइस है, फ्यूचर में क्या चीज़ें होनी चाहिए शिक्षा में, वो सभी कुछ मीटिंग्स में उसका फैसला लिया जा सके। अब तक 65 मीटिंग्स हो चुकी हैं, और जो कैप का चेयरमैन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो मिनिस्टर है वही इसका चेयरमैन होता है। ठीक है, चलो ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है, उद्देश्य क्या है कैप के, क्यों स्टार्ट हुई थी? तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सजेशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को रिगार्डिंग एजुकेशनल फील्ड या शिक्षा की फील्ड में जो भी सजेशंस हैं वो कैप प्रोवाइड करती है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन की बात हो या हायर एजुकेशन की। ठीक है, अगर शिक्षा की बात है तो सभी को सजेशंस कौन प्रोवाइड करता है? कैप प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, और शिक्षा में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें जो भी एडवाइस है या सजेशंस है वो कैप प्रोवाइड करती है। कैप एक कॉमन प्लेटफॉर्म देती है ताकि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकें, ये ऑफ है। देन कमिटीज को अपॉइंट करती है ताकि जो कोई भी अगर इशू है शिक्षा के फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, उनको रिजॉल्व किया जा सके। एक्सपर्ट की राय लेना टाइम टू टाइम, चाहे वो नेशन के अंदर हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, कैप का काम है ये। टाइम टू टाइम सर्वे कंडक्ट करवाए जाते हैं ताकि जो भी ज़रूरत है शिक्षा के फील्ड में उसको एसेस किया जा सके, उसको पहचाना जा सके। राइट, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं या उद्देश्य हैं। देन फंक्शंस क्या हैं, कार्य क्या है, चाहो तो आप फंक्शन और ऑब्जेक्टिव साथ में लिख सकते हो, नहीं तो इसमें लिख सकते हो। फंक्शन ये है कि ये चेक करती है, रिव्यू करती है, मॉनिटर करती है कि जो भी एजुकेशन पॉलिसी हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, मतलब एक कॉन्टिन्यूस काम चलता रहता है रिव्यूइंग का या मॉनिटरिंग का।
कोलैबोरेशन में हेल्प करती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, एनजीओ के एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। अगर कोई मॉडिफिकेशन हुआ है तो उससे रिलेटेड रेजोल्यूशन भी पास करती है कैब। फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करती है हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट को। देन कल्चरल डेवलपमेंट का काम करती है या कल्चरल एक्टिविटीज को करिकुलम में कैसे लागू किया जाए उसके लिए भी कैब काम करती है। देन ऐसे एरिया को पहचानती है जहाँ पे ठीक करने की, जहाँ पे मतलब एजुकेशन फील्ड में ऐसे एरिया को पहचानती है जिनको ठीक करना या करेक्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये टाइम टू टाइम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता रहता है। देन NEP 2020 में कैब के लिए क्या कहा है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या कहा है कैब के लिए, इन्होंने कहा है कि कैब को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना और ज़्यादा मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैब केवल कंसल्टेशन के लिए ही नहीं, एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए ही नहीं, बल्कि और ज़्यादा चीज़ें करें कैब। कौन कौन सी चीज़ें करें तो उसके लिए इन्होंने अलग से पॉइंट बताए हैं। इन्होंने कहा है कि द रीमॉडल्ड एंड रीजुएनेटेड कैब, कि जो रीमॉडल किया जाएगा कैब का और जो रिनोवेट होगा कैब, तो क्या क्या चीज़ें करेगा वो, अगर ज़रूरत है तो वो डेवलप करेगा, आर्टिकुलेट करेगा, मतलब स्प्रेड करेगा पूरे कंट्री में, उसको स्प्रेड करने में, फैलाने में मदद करेगा अगर कोई पॉलिसी है, कोई काम है। इवेल्युएट करेगा जो कि वो ऑलरेडी करता भी है, और रिवाइज करेगा एजुकेशन के विजन को कंट्री में, ठीक है। और किसके साथ काम करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो मतलब पहले MHRD कहते थे, अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं, उसके साथ कोलैबोरेट करके काम करेगा, या जो भी स्टेट की और सेंट्रल की एपेक्स बॉडीज है उनके साथ मिलके काम करेगा, ऐसा कहा है NEP 2020 ने। और क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि इट शैल ऑल्सो क्रिएट एंड कॉन्टिन्यूसली रिव्यू द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट शैल हेल्प टू अटेन दिस विजन। इन्होंने बेसिकली NEP 2020 क्या कहती है ना, कि जो भी NEP 2020 की इम्प्लीमेंटेशन है उसको लागू होने में, उसको अपने एम तक पहुंचने में टाइम लगेगा, तो इन सभी अथॉरिटी को लंबे समय के लिए मिलजुल के काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहना चाहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूसली एक प्रोसेस है जो कि जिसमें रिव्यू चलता रहेगा ताकि अल्टीमेट एम को, विजन को हासिल किया जा सके या अटेन किया जा सके, ठीक है। तो वो चीज़ें कहना चाहता है। और इसी चैप्टर में, मतलब ये NEP के 25th चैप्टर में कहा गया है कि जो फोकस है उसको दोबारा शिक्षा एंड लर्निंग पे लाने के लिए MHRD, जिसकी फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसको फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया जाएगा, जो कि हो भी चुकी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको याद करनी पड़ेंगी, और ये कुछ रेफरेंस हैं, आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। कैब पे बहुत कुछ अवेलेबल नहीं है, तो ये PDF बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। NEP वाली चीज़ NEP की उसमें मिल जाएगी, ठीक है। और कैब की कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, एनुअल रिपोर्ट हैं, अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहो तो वहाँ से जाके पढ़ सकते हो, वो आपको मिलेगा यहाँ पे। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।